2006 चा जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला त्या प्रकरणात मी काल 29 ऑगस्ट हजर राहून मला या प्रकरणात साक्षीदार करावे म्हणून माननीय न्यायालय विशेष न्यायालयाला विनंती केली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्यादि में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम मौजू पर तबसरा करते हैं। दो तस्वीरें और इनके अलग अलग रुख भी हैं। कैसे देशभक्ति और देशद्रोही को डिफाइन किया जाता है, आज इन्हीं दो तस्वीरों पर बात करते हैं। इससे पहले दो अलग अलग वारदातें, इससे आप सभी को यह समझना होगा असली देश विरोधी कौन है और कैसे एक समाज के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाकर पूरे मुल्क में नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। और जाहिर है तमाम मीडिया सरकारी एजेंसियां ही जब इस इख्तदार पजीर हुकूमत के हाथों में है तो फिर झूठ को फैलाना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। लिहाजा सच दब जाता है और सच को यूं ही दम तोड़ते हुए शायद इस मुल्क की तारीख ने पहली मर्तबा महसूस भी किया होगा। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में मदरसों को लेकर कैसे पहले से ही ये कहा जाता रहा है कि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं और इसे बड़े ही मुनज्जम तरीके से एक अरसे से झूठ को फैलाया भी गया है। जबकि जिन लोगों ने इस झूठ को फैलाया इन्हें मालूम है कि मदरसा ही वो मरकज था जहां से मुल्क की आज़ादी की जंगें लड़ी गई थी। कई मौलानाओं ने, कई उलमाओं ने इस मुल्क की खातिर न सिर्फ अपनी जान दी बल्कि अपनी आल औलाद को भी कुर्बान किया। आज जिस शेर मैसूर टीपू सुल्तान को देश विरोधी साबित करना चाहते हैं, इनके कुर्बानियां भले ही संघीय विचारधारा के लोग भूलना चाहते हो या बुलाना चाहते हो, लेकिन इसी मिट्टी में उस अजीम मुजाहिद का खून जज्ब हुआ है और यही सिलसिला आज भी जारी है। और जब सत्ता की कुर्सी पर ही काबिज हो जाए तो क्या कहना। जाहिर है अब तो महात्मा गांधी को झुटलाकर गौर से जिंदाबाद कहा जा रहा है और शायद इससे शर्म की बात इस मुल्क के लिए क्या हो सकती है। और वैसे भी झूठ का बाजार ही लगा हुआ है। किताबों में तक सावरकर अंडमान के जेल से बुलबुल पर बैठकर सैर तफरी करते थे जैसे सबक स्कूली किताबों में दाखिल किया जा रहा है। और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झूठ की बुनियाद पर किसी एक समाज को बदनाम करने का काला धंधा भी जारी है। इत्तला के मुताबिक आसाम में अलग अलग जगहों पर 3 मदारिस पर बुलडोजर चलाया गया। भाजपा की हेमंत सोरेन हुकूमत का कहना है कि ये जिहादी सरगर्मियों के अड्डे हैं और यहाँ से जिहादी सरगर्मियां जारी है। अब इसे क्या कहा जाए। विपक्ष ने तो इसे मुसलमानों को लेकर नफरती जहनीयत के चलते जानबूझकर की गई कार्रवाई बताई जा रही है। और अगर देखा जाए तो मामला भी इसी तरह का है। महज बुलडोजर तहजीब का डर मखसूस समाज के दिल में अंदर तक पैवस्त हो जाए। अब मदरसों पर बुलडोजर चलाने को गोदी मीडिया सही ठहराने में लगी हुई है। यहाँ मदरसों को भी गिरफ्तार किया गया, यहाँ भी कैसे झूठ का सहारा लिया जा रहा है देख सकते हैं। इमारत गैर कानूनी और दस्तावेज मुकम्मल ना होने की बात कही जाती है और मीडिया में दहशतगर्दी की कहानियां सुनाई जाती है। 3 मदरसे हुकूमत ने 4 अगस्त को मोरीगांव जिले के मोइराबारी में, 29 अगस्त को बारपेटा के डकलियापारा में और 31 अगस्त को बोंगईगांव के जोगी घोपा में मदरसों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ऑल असम तंजीम मदारिस काउंसिल के सेक्रेटरी अब्दुल कादिर ने साफियों को बताया कि मोइराबारी मदरसे को एक नोटिस भेजे जाने के बाद बुलडोजर से इस मदरसे को गिराया गया, जिसमें कहा गया था कि इमारत छोटी थी और बिजली का कनेक्शन गैर कानूनी था। डकालियापारा में एक सरकारी जमीन पर मदरसा होने की बुनियाद पर इसे गिरा दिया गया। उन्होंने दावा किया था कि जोगी घोपा में 2 मंजिला मदरसे के दस्तावेज मुकम्मल न होने की बिना पर इसे गिराया जा रहा है और अफसरान ने बोर्ड को पिछली रात 10 बजे जगह खाली करने के लिए कहा था। अब इस पर कई विपक्ष के लीडरान ने भी मुसलमानों को जानबूझकर हिरासा करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के रकीबुल हसन ने इसे गैर जमहूरी करार दिया है और आईने हिंद के खिलाफ कहा है, संविधान और लोकतंत्र का कत्ल भी कहा है, क्योंकि मुल्क के संविधान के मुताबिक किसी भी मदरसे को इस तरह गिराया नहीं जाता। पर अब इन तमाम बातों की कितनी अहमियत है ये भी समझने की जरूरत है। मजीद ताज्जुब की बात यह है कि मदारिस वाले भी पूरे मुल्क में खामोश इख्तियार किए हुए हैं। अब कुछ कहते हैं तो लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर कुछ कहेंगे तो हमारा भी मदरसा टारगेट किया जाएगा वाली जहनीत बढ़ती जा रही है। किसी शायर ने कहा कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की ना होगी। लिहाजा कर्नाटक वाले इत्मीनान से इसलिए हैं क्योंकि आसाम में हुआ है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बारिश सबकी आने वाली है। खैर, अब दूसरा पहलू भी इस वक्त पेश आया है। आज भारत में संघियों का राज है, इसे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है और आरएसएस ही एक तरह से मुल्क चला रही है और सभी जानते हैं कि नागपुर से ही फैसले किए जाते हैं। अब इस आरएसएस के बारे में इन्हीं के एक जिम्मेदार जिसका नाम यशवंत शिंदे है,
उसने महाराष्ट्र के नांदेड़ अदालत में अपने हलफनामे में इस बात की गवाही दी है कि मुल्क में जितने भी बम धमाके हुए हैं इसके पीछे आरएसएस है। गौर से सुनिएगा कि आरएसएस का शख्स ही गवाही दे रहा है कि मुल्क भर में जितने भी धमाके हुए हैं उसमें आरएसएस ही जिम्मेदार है। अब इस बयान के बाद संगियों में तो हलचल मची हुई है। आरएसएस के साबिक कारकुन यशवंत शिंदे ने अपने हलफनामे में 2004 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले बम बनाने वाले कैंप में हिस्सा लिया था और इसके लिए आरएसएस से जुड़े मुख्तलिफ तंजीमें जिम्मेदार थे। देश भर में बम धमाकों का एक गिरोह है जिसकी बागडोर आरएसएस के हाथ में है, जिनका काम देश के मुख्तलिफ जगहों में बम धमाके करना और इसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना। हलफनामे में शिंदे ने कई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान का नाम लिया है जो बम विस्फोट के मंसूबे बनाने और उसे अंजाम देने के कई मियार पर शामिल थे। ये भी दावा किया गया है कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए रियासती और मरकजी लेवल पर अलग अलग ओहदों पर काम किया जा रहा है। इसे और थोड़ा तफसील में बात करना जरूरी है क्योंकि जो तंजीम देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है उसका तबसरा भी जरूरी है। आप इसे जरूर सुने क्योंकि ये बात खुद आरएसएस के साबिक कारकुन जिसने इनके तमाम मीटिंगों में शिरकत की थी, तो आइए उसने आगे क्या कहा है। बम बनाने की ट्रेनिंग कहां कहां ली गई? जो भी भाजपा या आरएसएस से जुड़े हमारी खबर देख रहे हैं हो सकता है कि उन्हें बुरा लगे, लेकिन वो गूगल भी करके अब इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं। कहा है अपने हलफनामे में गोल मंदिर जो जुनूबी मुंबई के खेतवाड़ी में है 2003 में मीटिंग ली गई थी जहां बम बनाने की बात हुई। उस मीटिंग में एक और आरएसएस के जिम्मेदार मिलिंद परांडे, नाम को नोट कीजिएगा, मिलिंद परांडे भी मौजूद थे जो महाराष्ट्र के विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार थे। उन्होंने बम बनाने पर मशवरा किया। शिंदे ने एक और जगह का जिक्र किया है, सिंहगढ़ किले की तलहाटी में एक रिसोर्ट में 3 दिन का तरबियती कैंप के लिए महाराष्ट्र के और औरंगाबाद जलगांव नांदेड़ जिलों से तकरीबन 20 नौजवान इस तरबियती कैंप में मौजूद थे। खैर बहुत तवील उन्होंने हलफनामा दिया हुआ है, लिहाजा इसके बाद 3 जगहों पर बम धमाके किए गए। शिंदे के मुताबिक मिलिंद परांडे मुल्क भर में बम धमाकों का मास्टरमाइंड रहा है और फिलहाल मिलिंद परांडे वीएचपी के जिम्मेदार के तौर पर अपने खिदमत अंजाम भी दे रहा है और किस तरह के खिदमत अंजाम दे रहा है वो अभी आपने उन्हीं के शिंदे की जबान से सुनी। एक खास बात यह भी है जो शिंदे ने कर्नाटक के बारे में कही है, वो ये है कि यहाँ धमाकों की जिम्मेदारी रामसेना को दी गई थी। हलफनामा बहुत बड़ा है लिहाजा कहने का मतलब असल देश विरोधी कौन है महज कहानियां बनाकर मदारिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर बुलडोजर घुमाया जा रहा है। और जब आरएसएस के साबिक कारकुन शिंदे ने असलियत बताते हुए नांदेड़ अदालत में हलफनामा पेश किया, मुल्क को समझने की जरूरत है। आज इन दो तस्वीरों के रुख को देखने के बाद आवाम को, इस मुल्क के शहरियों को फैसला करना होगा कि देशभक्त और देश विरोधी कौन है। यकीनन मौजूदा दौर में हक बोलना बड़ा जुर्म है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा और यही आज का पैगाम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
नमस्कार, मी यशवंत शिंदे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक होतो. अनेक वर्ष बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि संघाचं काम पाहिलं, अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या घेऊन काम केली. 2006 जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला त्या प्रकरणात मी काल 29 ऑगस्ट हजर राहून मला या प्रकरणात साक्षीदार करावे म्हणून माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालयाला विनंती केली. न्यायालयाने माझा अर्ज स्वीकार केला आणि सरकारी वकील तसेच बॉम्बस्फोट खटल्यातील जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्या वकिलांना नोटीस पाठवली बनवली आहे, दिली आहे आणि पुढच्या महिन्यात 22 दिनांकला माझ्या आज काल सादर केलेल्या कथनावरती त्यांचं काही ते त्यावरती मत मांडतील. 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुळात जे आरोपी पकडले गेले आहेत ते मैदानातील आहेत. मूळ आरोपी ज्यांनी प्लॅन रचला, गट रचला, ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत. तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावून आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे. त्यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04 सुमारास महाराष्ट्राचा संघटक होता. त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003 बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं.